नमस्कार दोस्तों, मैं सनी नमस्कार शर्मा सनी फिर शर्मा से फिर से हाजिर। अपने हाजिर अपने चैनल चैनल सनी सनी नाथ पे नाथ पे स्वागत स्वागत करता हूँ। करता हूँ। सभी सभी वर्णकाज वर्णकाज में में फिर फिर से से आ आ जाना जाना कि कि नई नई जानकारी जानकारी के के साथ। साथ। सपने सपने में में खुद खुद को को प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट देखना देखना या या किसी किसी पराई पराई स्त्री स्त्री को को प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट देखना, देखना, यह यह सपना सपना किसी किसी व्यक्ति व्यक्ति को को भी भी आ आ सकता सकता है, है, किसी किसी स्त्री स्त्री को को भी भी आ आ सकता सकता है। है। सपने सपने का का क्या क्या अर्थ अर्थ होता होता है? है? शुभ शुभ संकेत संकेत है है या या शुभ शुभ संकेत संकेत है? है? चैनल चैनल चला चला के के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना, करना, वीडियो वीडियो को को बिना बिना स्किप स्किप करे करे देना। देना। लाइफ लाइफ यार यार में में फ्री फ्री बात बात कर कर सकते सकते हो, हो, बाकी बाकी मेरी मेरी कंसल्टिंग कंसल्टिंग में में 1150 1150 दास दास 2550, 2550, बाकी बाकी हवनों हवनों के के अनुसार अनुसार और और साधना साधना के के अनुसार अनुसार चार्ज चार्ज रहता रहता है है किसी किसी भी भी देवता देवता की की चौकी चौकी सवारी सवारी लेनी लेनी है, है, कंसल्ट कंसल्ट कर कर सकते सकते हो। हो। नंबर नंबर स्क्रीन स्क्रीन के के ऊपर ऊपर है। है। फ्री फ्री वाले वाले बंदे बंदे दूर दूर है है ना, ना, ऐसे ऐसे मेरे मेरे साथ साथ बातचीत बातचीत नहीं नहीं होने होने की, की, बिना बिना भोग भोग प्रसाद प्रसाद के के बिना बिना दास दास के के कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं हो हो सकता, सकता, साधना साधना सिद्धि सिद्धि में में क्रिया क्रिया दी दी जाती जाती है, है, समझाने समझाने की की कोशिश कोशिश की की जाती जाती है। है। अपने अपने रिश्ते रिश्ते आप आप इन इन साधनाओं साधनाओं को को कर कर सकते सकते हो। हो। जनकल्याण जनकल्याण हेतु हेतु ही ही माँ माँ बा बा माँ माँ यहाँ यहाँ पे पे मैं मैं क्रियाएं क्रियाएं प्रकाशित प्रकाशित कर कर सकता सकता हूँ। हूँ। सपने में सपने खुद में को खुद को प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट देखना देखना काफी काफी ज्यादा ज्यादा लोगों लोगों को को परेशान परेशान रहता रहता है। है। क्या क्या ये ये नेगेटिव नेगेटिव संकेत संकेत है है या या पॉजिटिव पॉजिटिव संकेत संकेत है? है? ये ये डिपेंड डिपेंड करता करता है है आपको आपको सपना सपना के के ऊपर। ऊपर। अब अब बात बात करते करते हैं, हैं, अगर अगर किसी किसी व्यक्ति व्यक्ति के के द्वारा द्वारा मंत्र मंत्र जाप जाप करा करा जाता जाता है, है, साधना साधना में में वो वो खुद खुद को को ही ही प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट देखता देखता है, है, अपने अपने आप आप को को प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट देखता देखता है। है। तो तो मैं मैं आपको आपको बता बता दूं, दूं, एक एक पॉजिटिव पॉजिटिव साइन साइन माना माना जाता जाता है। है। स्वप्न स्वप्न शास्त्र शास्त्र के के अनुसार अनुसार ये ये स्वप्न स्वप्न बताता बताता है है कि कि आने आने वाले वाले समय समय में में आपको आपको जो जो आपके आपके जो जो रास्ते रास्ते हैं, हैं, जो जो उलझनों उलझनों से से बने बने हैं, हैं, वो वो सुलझ सुलझ जाएंगे जाएंगे आने आने वाले वाले समय समय में। में। आपके आपके जो जो रुके रुके पड़े पड़े काम काम हैं, हैं, उनकी उनकी बनने बनने की की संभावना संभावना है, है, समय समय निर्धारित निर्धारित नहीं नहीं है। है। क्योंकि क्योंकि अगर अगर आपको आपको जिस जिस प्रकार प्रकार से से दिख दिख रहा रहा है, है, उसी उसी प्रकार प्रकार से से आपका आपका जो जो बोलते बोलते हैं हैं ना ना कि कि क्रिया क्रिया जो जो है है काम काम करती करती है, है, समय समय नहीं नहीं निर्धारित निर्धारित है, है, लेकिन लेकिन समय समय सुधरेगा सुधरेगा जरूर जरूर अगर अगर ये ये दिख दिख रहा रहा है। है। अब अब इसी इसी प्रकार प्रकार से से किसी किसी स्त्री स्त्री को को दिखता दिखता है है कि कि कोई कोई पराई पराई स्त्री स्त्री प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट है, है, तो तो ये ये एक एक शुभ शुभ अशुभ अशुभ संकेत संकेत माना माना जाता जाता है। है। ये ये आर्थिक आर्थिक तंगी तंगी को को दर्शाता दर्शाता है, है, ये ये आपको आपको दुख दुख तकलीफ तकलीफ संकट संकट होने होने वाला वाला इसका इसका मतलब मतलब है है आपके आपके ऊपर ऊपर विपदा विपदा आने आने वाली वाली है। है। अब बात बात करते करते हैं, हैं, अगर अगर कोई कोई स्त्री स्त्री अपने अपने आप आप को को ही ही प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट देखती देखती है, है, तो तो भी भी शुभ शुभ ही ही माना माना जाता जाता है, है, सेम सेम जैसे जैसे व्यक्ति व्यक्ति के के लिए लिए होता होता वैसे वैसे उसी उसी प्रकार प्रकार से से उसके उसके लिए। लिए। अब अब किसी किसी कुआरी कुआरी कन्या कन्या को को दिखता दिखता है है कि कि मैं मैं प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट हूँ, हूँ, मेरे मेरे साथ साथ ये ये चीज चीज हो हो रहा रहा है, है, तो तो ये ये भी भी शुभ शुभ ही ही माना माना जाता जाता है, है, इसको इसको भी भी शुभ शुभ संकेत संकेत नहीं नहीं माना माना जाता जाता है। है। क्योंकि क्योंकि स्वपन स्वपन शास्त्र शास्त्र बोलता बोलता है, है, जितनी जितनी भी भी ये ये स्वपन स्वपन होते होते हैं, हैं, ये ये आपके आपके निजी निजी जीवन जीवन के के साथ साथ जुड़े जुड़े होते होते हैं, हैं, कुछ कुछ लोग लोग स्वप्नों स्वप्नों को को भूल भूल जाते जाते हैं, हैं, कुछ कुछ लोग लोग उनको उनको याद याद रखते रखते हैं, हैं, कुछ कुछ लोग लोग इन इन स्वप्नों स्वप्नों को को देखकर देखकर वो वो बोलते बोलते हैं हैं कि कि अनगहली अनगहली कर कर देते देते हैं, हैं, यानी यानी कि कि सोचते सोचते हैं हैं कि कि कोई कोई चीज चीज नहीं नहीं है, है, बस बस ऐसे ऐसे दिखती दिखती हो, हो, बट बट उभरी उभरी लेकिन लेकिन ये ये आपके आपके निजी निजी जीवन जीवन को को दर्शाता दर्शाता है। है। जो जो लोग लोग परमात्मा परमात्मा के के प्रति प्रति थोड़ी थोड़ी बहुत बहुत निष्ठा निष्ठा भावना भावना रखते रखते हैं, हैं, कर्म कर्म करते करते हैं, हैं, उन उन व्यक्तियों व्यक्तियों को को ये ये चीजें चीजें दिखती दिखती हैं, हैं, परमात्मा परमात्मा स्वप्नों स्वप्नों के के माध्यम माध्यम से से संकेत संकेत करके करके जाता जाता है है कि कि उनके उनके जीवन जीवन में में किन किन कठिनाइयों कठिनाइयों किन किन परेशानियों परेशानियों का का उनको उनको सामना सामना करना करना पड़ पड़ सकता सकता है। है। चैनल चैनल अच्छा अच्छा लगे लगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना, करना, वीडियो वीडियो को को शेयर शेयर करना। करना। कंसल्टिंग कंसल्टिंग भी भी 1150 1150 दास दास 2550 2550 है, है, हवन हवन 1750 1750 है, है, हवन हवन 17500 17500 का का साधना साधना के के अनुसार अनुसार चार्ज चार्ज रहता रहता है। है। अब अब चाहे चाहे वो वो 20 20 हजार हजार 50 50 हो हो लाख लाख हो हो 2 2 लाख लाख हो, हो, वो वो कर्म कर्म के के ऊपर ऊपर जितना जितना कर्म कर्म गंदे गंदे होंगे होंगे उतना उतना ही ही पैसा पैसा लगता लगता है, है, उतने उतने ही ही हवन हवन होते होते हैं हैं आदेश आदेश में। में।